ब्रेक में आपका स्वागत है। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान स्तर तक क्वालिटी कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग संजय कुंडू ने हीरानगर स्थित परिधि गृह में आबकारी एवं कराधान स्तर तथा लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए नियत अवधि में पूरा करने के लिए निर्देश दिए। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान सतर्कता क्वालिटी कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग संजय कुंडू ने हीरानगर स्थित परिधि गृह में आबकारी एवं कराधान सतर्कता लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिला में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 301 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जुलाई माह तक 67 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में एकत्रित किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न मुद्दों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को गति प्रदान करते हुए नियत अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जीएसटी तथा आबकारी अधिनियमों के अंतर्गत भी अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने को कहा गया। कारोबारियों तथा विशेषकर ठेकेदारी कार्य करने वाले लोग जो अपने रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बोटलिंग संयंत्रों में 2 महीने भीतर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर मुख्यालय से जोड़ने तथा इसकी निरंतर निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि शराब की तस्करी को रोका जा सके। सीएसटी कैंटीनों के बिकने वाली शराब के संबंध में भी नियमित तौर पर निगरानी रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण को बढ़ाने तथा डिफॉल्टरों से कर की निश्चित समय में वसूली करने को भी कहा गया। इसी प्रकार सतर्कता विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला में सेफ हाउस के निर्माण को लेकर भी सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए, ताकि लोग इसमें समय पर सूचना दे सकें और केस से पहले ट्रायल और बयान आदि दर्ज किए जा सकें। इसके अतिरिक्त जिला में होने वाली सेना तथा अन्य बड़ी भर्तियों में विभाग को अपना उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी भेजने को कहा गया, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को और लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे विभिन्न प्रकार के मामलों में बेहतर व तेजी से तफ्तीश कर सकें। बैठक में लोक निर्माण विभाग तथा आईपीएच विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष से प्रदेश में सड़कों तथा पेयजल योजनाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कों तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा निर्माणाधीन विकास कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करें। गुणवत्ता के साथ साथ कार्यों को समय पर पूरा न करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी प्रकार आईपीएच तथा बिजली विभाग के अधिकारी भी निर्माणाधीन पेयजल सिंचाई योजना तथा विद्युत सब स्टेशनों के कार्यों को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। बैठक में 3 मुद्दे थे। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन हूँ, उसका रिव्यू करने आया था। और हमीरपुर ज़िले में जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन 301 करोड़ इस साल का टारगेट है, उसके अगेंस्ट पहले 4 महीने में हमने 67 करोड़ किया है, जो हमारा शॉर्टफॉल है। उसके 2-3 रीजन से, एक तो वैट में जो पेट्रोल और डीजल में वैट कम हुआ है वो है, दूसरा है जीएसटी में हमारी जो रिकवरी है वो नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है, और तीसरा है कि जो एक्साइज, जो शराब से एक्साइज आता है, जो हमारे बॉटलिंग प्लांट्स है, जो डिफेंस फोर्सेस को शराब जाती है, उसमें भी ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन इन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में ना केवल इस क्षति को पूर्ति करेंगे, बल्कि 100% से ज़्यादा ये हमको रेवेन्यू देंगे। दूसरी मीटिंग हमारी क्वालिटी के बारे में हुई, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आईपीएच के, उसको रिव्यू किया। ये देखने में आया कि क्वालिटी में पिछले एक साल में काफ़ी सुधार आया है। जो इंस्टीट्यूशनल या सिस्टमिक चेंजेस थे हमने क्वालिटी में किए हैं। हमने इंश्योर किया है कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट पार्टी करे, सेकंड पार्टी जो लाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स करें, अब थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मॉनिटर सीएम ऑफिस में आ गया है, उनकी भी टास्किंग हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमको कंप्लेंट्स आएंगी, हम अपनी टीम भेजेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, और जहाँ जहाँ कमी पाई जाए उसको हम पूरा करेंगे। में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है,
कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होती है कि उतने पीरियड में उसको मेंटेन करे। पहले ये एनफोर्स नहीं किया जाता था, अब पहली बार हमीरपुर ज़िले में 5-6 कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी जब्त हो रही है और एक मैसेज जा रहा है कि जो इम्प्यूनिटी है उससे काम नहीं कर सकते, क्वालिटी से ही उनको प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होंगे। लास्ट मेरी मीटिंग विजिलेंस डिपार्टमेंट से हुई, कुल मिला के 10 के करीब केस हैं हमीरपुर में और 3 बड़े अच्छे इन्होंने ट्रैप केसेस किए और एक कटवाल साहब का केस था जिसमें कन्विक्शन जो है 3 केसेस में अप टू सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हुई थी, वो अभी जेल में है। और कुल मिला के बड़ी संतोषजनक मेरी मीटिंग रही और मेरे को एक्साइज डिपार्टमेंट ने एश्योर किया है कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करेंगे। एक बड़ा इशू है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिल्डिंग इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें 12% GST का प्रावधान है, तो गवर्नमेंट तो 12% GST दे रही है कॉन्ट्रैक्टर्स को, किसी वजह से सिस्टम में फॉल्ट के कारण वो एक्साइज डिपार्टमेंट को और स्टेट खजाने में नहीं आ रहा, उसको भी हम इशू को जल्दी रिजॉल्व करेंगे और आशा करते हैं इसमें भी सैकड़ों करोड़ हमारे स्टेट एक्सचेकर में आएंगे। इस अवसर पर उपायुक्त हरिकेश मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।